इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत प्रदेश कार्यशाला का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां हर व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने की बल्कि एक सुरक्षित माहौल में रहने की गारंटी भी है। जो अक्सर घर की विपन्नता का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, हिंसा की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, चाहे वह घर के अंदर की हो या घर के बाहर की हो या फिर किसी भी अन्य माहौल का सर्वाधिक शिकार कोई होती थी तो एक महिला होती थी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां पर हर व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने की बल्कि एक सुरक्षित माहौल में रहने की गारंटी भी है। और यह अभियान के क्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है।